आज हम बनाएंगे हेयर सीरम सिर्फ 10 रुपए में। कभी आपने सुना है 10 रुपए का हेयर सीरम? ये आपके बालों के एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम को ये ट्रीट करेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को चेक करते हैं। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन फंडा विद पू। मैं हूं पूजा और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं होममेड हेयर सीरम। तो इस बदलते मौसम में और कभी कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, तो इस वजह से ना लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और गर्मी की वजह से ना लोग घर से बाहर तक नहीं निकलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से ना हमारे बालों में बहुत ज्यादा स्वेट होता है और उस स्वेट की वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे बालों में आ जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं। इससे हमारे बाल बहुत ज्यादा बेजान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा टूटने लगते हैं, बहुत डैंड्रफ हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इनको ठीक करने के लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा ये हेयर सीरम लेके आई हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में आपका बन जाएगा। बहुत आसानी से आप इसे घर में बहुत ईजिली बना सकती हैं। आपको कोई मतलब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत इजीली सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से आपका ये पूरा हेयर सीरम बन जाएगा और आपके बालों को बहुत ज्यादा अच्छा बनाएगा, उन्हें बहुत ज्यादा लस्ट्रस बनाएगा, उन्हें नरिशमेंट देगा। तो जनरली क्या होता है ना, हेयर सीरम जो होता है वो हम अपनी हमेशा लेंथ में अप्लाई करते हैं, बट इस होममेड सीरम को आप सिर्फ अपनी लेंथ में ही नहीं, स्कैल्प में भी लगा सकती हैं और आपके बाल बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। आपके बाल की जो हेयर फॉल हो रही है वो भी कम हो जाएगी और आपके बाल जो बहुत ज्यादा फ्रीजी हो गए हैं उनको भी ये बहुत ज्यादा नरिशमेंट देगा और बहुत ही ज्यादा उन्हें शाइनी बनाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। तो हमारे हेयर सीरम का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है अनियन। तो अनियन हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वो उसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और नेचुरल सल्फर होते हैं जो हमारे बालों को झड़ने से रोकते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा वॉल्यूम देते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि आपके बालों में अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है, यानी आपके बाल जल्दी वाइट हो रहे हैं, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गया है या फिर स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन है, ये उसको भी ट्रीट करता है, आपके बालों को घना बनाता है और आपके बालों में बहुत ज्यादा शाइन ऐड करता है। हमारे सीरम का जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है चाय की पत्ती। तो आपके घर में जो भी चाय की पत्ती यूज करते हैं, जिस भी ब्रांड की, आपको बस वही ले लेना है। चाय की पत्ती में बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और जैसे हम बात करें ब्लैक टी की, तो उसमें नाम से ही पता चलता है हमारे बालों की प्रीमेच्योर ग्रेइंग को बहुत ही हद तक कंट्रोल करता है, यानी हमारे बालों को जल्दी वाइट नहीं होने देता। अगर आपके बाल थोड़े बहुत वाइट भी हो गए तो ये उनको भी स्टॉप कर देता है और आगे होने से रोकता है। और हमारे जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, उसको ट्रीट करता है, हमारे बालों को बहुत ज्यादा शाइन देता है। तो आइए देखते हैं कि इस सीरम को हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको अपने जो है 2 ग्लास पानी को बॉईल करना है। तो आपको जो है बॉईल करने के बाद जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए तो आपको उसमें ऐड करना है 1 to 2 teaspoon टी, जो भी आप चाय की पत्ती यूज करते हैं बस उसको। जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए तो आपको उसमें ऐड करना है 3 chopped onion। तो आपको अनियन को थोड़ा सा रफली चॉप कर लेना है, उसके बाद उसको उसी पानी में ऐड कर देना है। उसके बाद आपको उसको भी अच्छे से बॉईल करना है, लगभग 10-12 मिनट तक आप उसको बॉईल कर लीजिए। उसके बाद गैस को बंद करके आप उसे साइड पे ठंडा होने के लिए रख दें। तो जब वो ठंडा हो जाए तो आप कोई भी, आप ट्राई करें कि कोई अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है किसी भी चीज की, तो आप उसको क्लीन करके उसमें स्टोर कर ले इसको। तो ये आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ही मतलब सस्ता सा हेयर सीरम है, बट आपके बालों में एकदम मैजिक की तरह काम करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हेयर सीरम्स नहीं लेना चाहते हैं, वैसे तो जो मार्केट में आते हैं वो आप सिर्फ लेंथ में यूज कर सकते हैं, बट इस सीरम को आप स्कैल्प में यूज कर सकते हैं, जिससे आपके बालों में जो जड़ों में आपकी प्रॉब्लम है वो ट्रीट हो सके। तो आप इस हेयर सीरम को फ्रिज में लगभग 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और आपको इसे कैसे यूज करना ये जानते हैं।
तो आपको जब भी हेयर वॉश करना हो, अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो आप 2 से 3 बार अपने बालों को धुल सकते हैं वीक में। तो आपको क्या करना है, बालों को धुलने से लगभग आपको 2 घंटे पहले आपको इसे अपने बालों में अच्छे से स्प्रे करना है, स्कैल्प में भी करना है और आपको लेंथ में भी करना है। तो इसके बाद आपको इसे अच्छे से मसाज करनी है, कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मसाज करिए ताकि आपके जो स्कैल्प में है अब्सॉर्ब हो जाए और अपना ये काम शुरू कर सके। तो दो घंटे बाद, अगर आप चाहें तो 2 से 3 घंटे तक भी रख सकते हैं अपने बालों में। उसके बाद आपको हेयर वॉश करना है। जब आप हेयर वॉश करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि अगर आपको बहुत डैंड्रफ बहुत ज्यादा था और बहुत ज्यादा इचिंग होती थी ये, तो उसको तो बिल्कुल कम कर देगा, आपको इचिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और आप देखेंगे अगर आप अपनी स्कैल्प में, तो डैंड्रफ भी बहुत हद तक कम हो चुका होगा। तो और आपके धीरे धीरे ये आपके बालों पे वर्क करना शुरू करेगा, आपके बालों को शाइनी बनाएगा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी रहते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको जो है हफ्ते में 3 बार जरूर से जरूर लगाएं, जिससे आपके बालों में ये जल्दी से असर करे। तो सबसे अच्छी बात है कि इसे हर हेयर टाइप के लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आपका जो है स्कैल्प ऑयली है या फिर ड्राई है या फिर सेंसिटिव है, ये सबके लिए परफेक्ट है, आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। मोस्टली अगर आप डरते हैं मार्केट की चीजों लेने से कि अगर हमारे कोई साइड इफेक्ट हो गया, हमारे बालों को कुछ हार्मफुल ये बना देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस हेयर सीरम को आप घर पे इजिली बना सकते हैं और आप खुद देखेंगे कि आपके बालों से बहुत ज्यादा परेशानियां जो हैं हो गई थी वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी और धीरे धीरे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ आपको मेंटेन करना है एक हेल्दी डाइट। तो हेल्दी डाइट के लिए आपको दिन में 1 बोल सैलेड खाना है। आप चाहें तो उसे मॉर्निंग में खा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इवनिंग में भी खा सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप 1 बोल ग्रीन सैलेड जरूर खाएं। और अगर आप वर्किंग हैं तो आप घर पे बना के उसे वहां भी कैरी कर सकती हैं और आपको जब भी टाइम मिले आप खा सकती हैं। और आपको जो है जंक फूड नहीं खाना है, अगर खाते हैं तो थोड़ा कम कर देना है, बट आपको अवॉइड करना है कि आप बहुत कम जंक फूड खाएं और घर का बना फ्रेश खाना खाएं। और आपको जो है दिन में आप चाहें तो नारियल पानी भी पी सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं और कोई भी आपको दिन में 1-2 फ्रूट खाने हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जब सिस्टम अंदर से क्लीन होगा और आपका स्कैल्प क्लीन होगा तो आपके बाल भी बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे और उनमें जो भी प्रॉब्लम है वो ट्रीट हो जाएगी। तो आप इस सीरम के साथ साथ थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस भी करिए, आपको बहुत ही जल्दी असर देखने को मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की होम रेमेडी, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। बट कोई भी चीज ओवरनाइट वर्क नहीं करती है, तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली और आपके बालों भी ये धीरे धीरे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जिनको भी हेयर प्रॉब्लम हो उनके साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपने और नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।